नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब लुधियाना सेशन कोर्ट में बम धमाके के पीछे खालिस्तानी आतंकी का हाथ, पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं तार। ओमिक्रॉन पर अटैक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार देर रात ऐलान किया कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित और हेल्थ वर्करों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। उत्तराखंड चंपावत जिले के सूखी ढांग इंटर कॉलेज में अब दलितों ने ऊंची जाति की महिला के हाथ का बना खाने से किया मना। युवा होने पर शादी के लिए आजाद है मुस्लिम लड़की, हिंदू से शादी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी। कोविड टेस्ट कराने के लिए कहने पर भड़का युवक, डिस्पेंसरी में दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी को चाकू मारा। मामला राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन का। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लौटेंगी पाबंदियां, पहले चरण में ये सब होगा बंद, जाने सरकार ने बनाया प्लान। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, AQI 430 पर पहुंचा, आज हो सकती है बारिश। दिल्ली एम्स अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत, अब 500 रुपए तक की जांच होगी मुफ्त। बिहार मुजफ्फरपुर, कुरकुरे और नूडल्स की फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 10 से ज्यादा की मौत, कई घायल। ग्रेटर नोएडा, दोला रजपुरा गांव, खूनी संघर्ष में बदला बच्चों का झगड़ा, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, एक की मौत, आधा दर्जन घायल। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।